जय हिंद साथियों। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनेगा लग्जरी होटल। जानते हैं बनाएगा कौन? तो देखिए, जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही एक लग्जरी होटल डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 220 कमरे हैं। इस होटल को डेवलप करने की जिम्मेदारी रोजिएट होटल्स एंड रिजॉर्ट को मिली है। तो देखिए, जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट के पास, हवाई अड्डे के पास एक लग्जरी होटल डेवलप किया जा रहा है। इस डेवलपमेंट की जिम्मेदारी रोजिएट होटल्स को मिली है। इसमें 220 कमरे होंगे। बहुत बढ़िया होटल बनेगा भैया। आप जानते होंगे कि ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहीं एयरपोर्ट के पास ही 220 कमरों वाली एक लग्जरी डेवलप होटल किया जा रहा है। इसके लिए रिजॉर्ट होटल्स एंड रिजॉर्ट को चुना गया। यह कंपनी बर्ड ग्रुप का हिस्सा रह चुकी है। चयन कैसे हुआ? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार वहाँ होटल डेवलप करने वाली कंपनी का सिलेक्शन एक कंपिटिटिव ब्रीडिंग प्रोसेस के द्वारा हुआ। उल्लेखनीय कि बर्ड समूह भारत और ब्रिटेन में 6 प्रोजेक्टों और प्रॉपर्टीज को चला रही है। NIA ने कहा कि यह होटल पूरी तरीके से एक नई अवधारणा पर तैयार किया जाएगा। इसमें स्मार्टफोन एक्सेस जैसी सेवाएं होंगी। इसे विशेष रूप से ग्लोबल और लीजर और बिजनेस ट्रेवल्स की ज़रूरत के आधार पर डेवलप किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निर्माता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने किया कि टाटा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को चुना गया है। इसे इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण EPC कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी चुना जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर एक लग्जरी होटल बनाया जाएगा।